तो हम लोग सीखेंगे दिस का यूज, ठीक है। जैसे कि ये पेड़ है तो हम लोग क्या कहते हैं, यह पेड़ है, तो अगर इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे दिस इज अ ट्री, दिस इज अ ट्री, ठीक है। अब जैसे कि ये क्या है, प्लांट है, क्या है, प्लांट, तो इसको बोलेंगे दिस इज अ प्लांट, दिस इज अ प्लांट। अब जैसे कि ये एक पत्ती है, जैसे मैंने ये बोला, ये लीफ है, इसको क्या बोलते हैं, लीफ, क्या बोलते हैं, लीफ। तो अब ये एक है तो इसको बोलेंगे दिस इज अ लीफ, दिस इज अ लीफ, ठीक है, दिस इज अ लीफ, ठीक है। अच्छा और देखते हैं क्या है यहाँ पर। अब जैसे कि ये बॉय है, क्या है, बॉय, बॉय लड़का होता, yes, तो दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय। और ये देखो गर्ल है, क्या है, गर्ल, गर्ल है, yes, तो हम इसे बोलेंगे दिस इज अ गर्ल, दिस इज अ गर्ल, दिस इज अ गर्ल, दिस इज अ गर्ल। तो ये हमारा ट्री हो गया, ये प्लांट हो गया, है ना, और ये हमारी लीफ हो गई। अच्छा देख, हाँ ये ट्री हो गया। अच्छा देखो यहाँ पे और क्या है, आओ देखते हैं। हाँ ये देखो, ये जैसे ये क्या है, बफलो है, क्या है, तो इसको कैसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे दिस इज अ बफलो, दिस इज अ बफलो, ठीक। और बताओ, जैसे कि देखो मेरे हाथ में ये क्या है, ये क्या है, कंगन, चूड़ी है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं बैंगल, बैंगल, क्या बोलते हैं, बैंगल, इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, दिस इज अ बैंगल, क्या बोलेंगे, दिस इज अ बैंगल, दिस इज अ बैंगल। अच्छा और बताओ क्या चीज आप बता सकते हो यहाँ पे, देखो मैम, ये देखो ये इसमें दिया है, ये क्या है, बॉक्स है, क्या है, बॉक्स, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज अ बॉक्स, और ये देखो क्या निकला इसके अंदर, स्पून, स्पून, क्या है ये, स्पून, इसको कैसे बोलेंगे, यह एक स्पून है, मतलब दिस इज ए स्पून। अच्छा और क्या है इसमें, देखो ये है मैम, देखो क्या है, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, और इसमें है पेंसिल, पेंसिल, तो क्या बोलेंगे, दिस इज अ पेंसिल, दिस इज अ पेंसिल। मैम मैं फोटो दिखाई, सीढ़ी, क्या है, क्या है, सीढ़ी। अच्छा इससे तुम क्या करते हो, छत पर चढ़ते हो ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं लैडर, क्या कहते हैं, अब इसको अगर हम बोलेंगे तो हम कैसे बोलेंगे, दिस इज अ लैडर, दिस इज अ यह एक सीढ़ी है, यह एक सीढ़ी है। अब अच्छा देखो यहाँ आते हैं, यहाँ देखो क्या लिख रहा है, ये कली, जो खिला नहीं होता है, ये देखो खिला नहीं है तो ये अभी फूल नहीं बना है, ये कली है, इसको इंग्लिश में कहते हैं बड, बड, क्या कहते हैं, बड। तो अब इसे बोलेंगे देखो ऐसे करके, दिस इज अ बड, दिस इज अ बड, दिस इज अ बड, दिस इज अ बड। ये है हैंड पंप, क्या है, हैंड पंप, इसे पानी निकालते हो, यस मैम, तो ये हैंड पंप है, तो दिस इज अ हैंड पंप, दिस इज अ हैंड पंप, दिस इज अ हैंड पंप, दिस इज अ हैंड पंप। अब जब देखो कोई चीज दूर से दिखाई जाती है, वो देखो दूर गाय बैठी है ना, वो हमारे पास है नहीं है, दूर है, तो जब कोई चीज दूर की दिखाई जाती है हम दिस नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, दैट, क्या कहते हैं, दैट। अब हम कहेंगे दैट इज अ काउ, दैट इज अ काउ, दैट इज अ काउ, दैट इज काउ। और अगर हम दूर के पेड़ को दिखाएंगे तो हम बोलेंगे दैट इज अ ट्री, दैट इज अ ट्री। और अगर पास के पेड़ को दिखाएंगे तो क्या बोलेंगे, दिस इज अ ट्री, दिस इज अ ट्री। अच्छा आओ आ जाओ और दिखाओ क्या, अब जैसे वो देखो इधर देखो सबको टेम्पल दिख रहा है, दिख रहा है ना टेम्पल। अच्छा ये बताओ ये हमारे बिल्कुल पास में है, दूर है, दूर, थोड़ा दूर है ना, ऐसे बताना पड़ रहा है ना, तो दैट इज अ टेम्पल, दैट इज अ टेम्पल।